ब्रह्मानंद जी की जयंती मनाई गई, जिसमें आए कवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। नगर सिरसागंज में हैवतपुर रोड स्थित मूलचंद की धर्मशाला में लक्ष्य संस्था द्वारा संत कवि डॉक्टर बहादुर सिंह निर्दोषी राष्ट्रीय संरक्षक लक्ष्य संस्था की अध्यक्षता में स्वामी ब्रह्मानंद जी की 126वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि जितेंद्र राजपूत द्वारा स्वामी ब्रह्मानंद जी के आदर्श, शिक्षा तथा त्याग के बारे में भी विस्तार से बताया गया तथा सरकार से मांग की है कि स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय हमीरपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। कार्यक्रम में नवोदय विद्यालय में प्रवेश संबंधित जानकारी दी गई तथा प्रवेश फॉर्म का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में लोकेश यादव, राकेश राजपूत, सरिता जाधव, अन्ना हजारे आदि लोग उपस्थित रहे। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। आज यहाँ क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ऐसा है कि आज स्वामी ब्रह्मानंद लोधी समाज के पहले सांसद रहे लोकसभा के, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाया वो बड़ा अनुकरणीय है। राठ में उनका महाविद्यालय जो 3,500 बीघा जमीन उस पर है, 2 मील में पसरा हुआ है, और हमारे सारे देश में उस विद्यालय का अनुकरण हो रहा है, और उसी शिक्षा को देखते हुए इस समय भारत सरकार के पर्यटन विभाग के निजी सचिव श्री अमर शाह सिंह जी लोधी IAS ने एक लक्ष्य का गठन किया। वो लक्ष्य इतनी बड़ी संस्था है जिसमें राजनीतिक लोगों का कोई प्रवेश नहीं है, और इस देश में लगभग 13-14 प्रांतों में गठन हो चुका है। उसके माध्यम से वो IAS PCS की वो ट्रेनिंग भी देते हैं अपने भाषणों के माध्यम से, और कई बच्चे इस वर्ष IAS में भी आए, IPS में भी आए, तो उसी की एक शाखा छोटी सी सिरसागंज में भी है, तो वही अनुकरण हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर किया है, जिसमें कई शिक्षाविद भी आए होंगे, और हर तरह से आज का आयोजन बड़ा सफल रहा।